verify your account. This device was reset to continue sign in with a Google account that was previously synced on this device. और ये विदाउट गूगल अकाउंट के नेक्स्ट नहीं जा रहा। इस वीडियो में हमारे पास हैंडसेट है सैमसंग गैलेक्सी J4 विद लेटेस्ट बैनरी U4 पे अपडेटेड, और इसका हम FRP लॉक बाईपास करेंगे, जिसके लिए रिक्वायर्ड है हमें एक अदद सिम कार्ड। ये हम न्यू सिम कार्ड लेंगे जो कि इजीली अवेलेबल है मार्केट में। पाकिस्तान से ये इजीली 3550 में मिल जाती है, अदर कंट्रीज़ का तो मुझे आइडिया नहीं है। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब बटन को दबाकर साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि आप तक पहुंचती रहे आने वाली हर यूज़फुल वीडियो। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये हमने इसको मोबाइल फ़ोन में डाला, मोबाइल ऑन करके इसको हम पिन कोड लगाएंगे, जिसके ज़रिए हम इसका FRP बाईपास करेंगे। नॉन एक्टिव सिम होने की वजह से ये इनवैलिड सिम शो करवा रही है। इसको हम सिक्योरिटी सेटिंग में जाकर पिन लॉक लगाएंगे। फ़ोन की सेटिंग्स में जाएंगे, सिक्योरिटी सेटिंग में आएंगे और ये देखें सिम वन सिक्योरिटी और पिन लॉक को ऑन कर देंगे। ऑन और डिफ़ॉल्ट पिन कोड इंटर करेंगे 40 और ओके कर देंगे। ये देखें पिन लॉक ऑन हो चुका है। अभी ये सिम कार्ड हमारा FRP बाईपास के लिए रेडी है। इसके ज़रिए हम सैमसंग गैलेक्सी J4 U4 बैनरी पर अपडेटेड फ़ोन का FRP बाईपास कर सकते हैं। FRP बाईपास करने के लिए फ़ोन को पावर ऑफ करेंगे और इसके अंदर सिम कार्ड को डालेंगे। सिम कार्ड डालने के बाद हैंडसेट को पावर ऑन करेंगे। जब हैंडसेट पावर ऑन होगा तो पिन लॉक पर आकर रुक जाएगा और यहाँ पर ये 15 अटेम्प्ट शो करवा रहा है पिन लॉक इंटर करने की। इनकी लिमिट चेंज हो सकती है सिम के एतबार से, मुख्तलिफ सिमों की मुख्तलिफ लिमिट होती है कि आप उस पर उतनी दफ़ा पिन लॉक इंटर कर सकते हैं। तो ये 15 अटैम्प्ट जो हैं ये हम रॉन्ग पिन इंटर करके कंज्यूम करेंगे। सही पिन कोड जो कि हमने 0000 लगाया है वो नहीं लगाएंगे, कोई भी रॉन्ग पिन कोड इंटर करेंगे और ये 15 अटैम्प्ट को कंज्यूम करेंगे। ये देखें पिन लॉक इंटर करने की हमारी लास्ट अटैम्प्ट है, इसको भी हम रॉन्ग पिन के ज़रिए कंज्यूम करते हैं। अभी हैंडसेट शो करवाएगा 15 अटैम्प्ट पाक कोड के लिए, जो भी हम रॉन्ग पाक कोड और रॉन्ग पिन इंटर करके कंज्यूम करेंगे। ये देखें एक दफ़ा 99 प्रेस किया, ये बात जहन में रहे कि पाकिस्तान में जैज सिम वाले 99 पाक कोड के लिए यूज़ ना करें, क्योंकि 99 जैज सिम का पाक कोड होता है तो वो इसको एक्सेप्ट करेगी और उसके बाद आपको दोबारा से 15 अटैम्प्ट पिन कोड की लगाना पड़ेगी। रॉन्ग पाक कोड और रॉन्ग पिन इंटर करते जाएं और ये 15 अटैम्प्ट कंज्यूम करें।
और ये देखें हमारी पाक कोड इंटर करने की लास्ट अटैम्प है, इसको भी हम रॉन्ग पाक कोड और रॉन्ग पिन के ज़रिए कंज्यूम कर देंगे। ये देखें हमने रॉन्ग पाक कोड इंटर किया और ये पिन लॉक लगाया, ये देखें पिन लॉक, और लास्ट दफ़ा पिन लॉक लगाने के बाद हमारे हैंडसेट पर ये नोटिफिकेशन की ऑप्शन आ जाएगी। ये लॉक के बटन को दबाएंगे तो ये नोटिफिकेशन बार ओपन हो जाएगा। ये नोटिफिकेशन सेटिंग्स में जाएंगे, सी ऑल को प्रेस करेंगे, ये मोस्ट रिसेंट को प्रेस करके ऑल पे करेंगे, स्क्रॉल डाउन करते हुए यूट्यूब पे आएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे और नोटिफिकेशन सेटिंग में जाएंगे। यहाँ पर हिस्ट्री एंड प्राइवेसी में जाएंगे और यूट्यूब टर्म्स एंड सर्विस को ओपन करेंगे तो ये हमारे हैंडसेट पर गूगल क्रोम ब्राउज़र सक्सेसफुली ऑन हो जाएगा। नो थैंक्स। और ये गूगल क्रोम के एड्रेस बार में ये एड्रेस टाइप करेंगे goo.gl/FCAPITAL77N7 गूगल क्रोम के एड्रेस बार में ये एड्रेस टाइप करने के बाद गो के बटन को दबाएंगे तो हमारे क्रोम ब्राउज़र पर मार्टव्यू फॉरम की साइट ओपन हो जाएगी। पेज ओपन होने के बाद स्क्रॉल करेंगे और ये फर्स्ट ऑप्शन ऑल गूगल अकाउंट मैनेजर के लिंक को ओपन करेंगे। पेज ओपन होने के बाद दोबारा से स्क्रॉल डाउन करेंगे और ये फर्स्ट पर गूगल अकाउंट मैनेजर 8 को डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। डाउनलोडिंग के लिए परमिशंस को अलाउ करेंगे। इंस्टॉलेशन के लिए अननोन सोर्स को अलाउ करेंगे और इसको इंस्टॉल कर देंगे। इंस्टॉलेशन के बाद डन कर देंगे। जब मार्टव्यू फॉरम का पेज दोबारा से आ जाए तो बैक की को प्रेस करके दोबारा वापस मेन पेज पे आएं और ये FRP बाईपास की ऐप को डाउनलोड करें। ये FRP बाईपास ऐप, इसको क्लिक किया और ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई। इसको भी डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करेंगे और ओपन करेंगे। FRP बाईपास इंस्टॉल होने के बाद इसको ओपन करेंगे। ये देखें यहाँ पर ये 3 डॉट की ऑप्शन नहीं है जिसको हम प्रेस करके ब्राउज़र साइन इन में जाते थे, तो कोई इशू नहीं, ये बैक की को प्रेस करें और ये कीबोर्ड को वाइप कर दें और दोबारा से बैक की को प्रेस करें और होल्ड किए रखें जब तक कि ब्राउज़र साइन इन की ऑप्शन ना आ जाए। ब्राउज़र साइन इन में जाएंगे और ये साइन इन की ऑप्शन आने के बाद यहाँ पर हम अपने किसी भी गूगल अकाउंट के ज़रिए इसको साइन इन कर सकते हैं। गूगल आईडी और पासवर्ड देकर इसको साइन इन करेंगे। लॉगिन होने के बाद जब पेज क्लोज हो जाए और वापस साइट पे आ जाए तो यहाँ पर हम अपने हैंडसेट को रिस्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट होने के बाद हैंडसेट सेटअप विजर्ड पे आ गया, गो को दबाएंगे और सेटअप विजर्ड को कंप्लीट करेंगे।
देखें जो हमने अकाउंट लॉगिन किया था वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। अभी हम नेक्स्ट बटन को दबाकर सेटअप विजिट को कंप्लीट कर सकते हैं। हमारे हैंडसेट में गूगल अकाउंट लॉगिन हो चुका है। और ये देखें दोस्तों, गूगल अकाउंट वेरिफिकेशन स्टेप बाईपास करने के बाद और सेटअप विजिट कंप्लीट करने के बाद हमारा हैंडसेट स्टार्ट मेन्यू पे आ चुका है और इसका FRP लॉक सक्सेसफुली बाईपास हो चुका है। हैंडसेट का मॉडल और एंड्रॉयड वर्जन वेरीफाई करने के लिए ये हम सेटिंग्स में गए, स्क्रॉल डाउन किया और अबाउट फोन में आए। ये देखें सैमसंग गैलेक्सी J4। सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में गए और ये देखें एंड्रॉयड वर्जन 9 और ये लेटेस्ट बाइनरी U4 पे अपडेटेड है। ये बिल्ड नंबर आप चेक कर सकते हैं, U4 बाइनरी पे ये अपडेटेड है। सिक्योरिटी पैच लेवल चेक करेंगे 1 जुलाई 2019 और इसका FRP लॉक सक्सेसफुली बाईपास हो चुका है। जो हमने गूगल अकाउंट लॉगिन किया है उसको रिमूव करने के लिए सेटिंग्स में जाएंगे, अकाउंट्स एंड बैकअप में जाएंगे, अकाउंट्स में जाएंगे और जो अकाउंट हमने लॉगिन किया था उसको यहां से हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद हम अपने हैंडसेट को रीस्टार्ट करके चेक करेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो से लेटेस्ट बाइनरी पर अपडेटेड सैमसंग मोबाइल्स का विदाउट PC FRP बाईपास करने में बहुत हेल्प मिलेगी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि आप तक पहुंचती रहे आने वाली हर वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।